सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्त श्लोकी दुर्गा शिववद देवी संभक्त जल में सर्व कार्य विलायने कलोहि कार्य सिद्ध्यर्थ उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्यो वाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कल सर्वे च साधन मया तवेव स्नेहेन प्यम्बा तु देहे प्रकाश्यते। अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोके सप्त मन्त्रश्च नारायण ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्त श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानी नाम विजेता से देवी भगवती सा वलाधा कृष्ण महाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृता हरि मेतिम से जयंत स्वस्थे स्मृता मधिमति वजुवान ददासी दारिद्र दुख वहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदा दचित्ता सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान् चेचाणवः चतुश्च वृष्टातु कामा सकलान् विश्वम् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् श्रयतां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि क्षणच्च कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सदे ॐ सदेशाग्रे भव प्रीता भवने भवचने आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा चोलधारिणे पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपाचिताचिले सर्वमङ्गलमये सत्ता सत्यानन्दचरपिणे अनन्दा भावणी भव्या 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 सदा गते
शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाजने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जने अवे अविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी नारेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागिरिः विमलोत्कर्षणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहना विशम्बजुम्बहनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्ते च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी अवतेयते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महाधरे मुक्तकेजे गररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रि तपस्विने नारायणे बद्धकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवलोके कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायणी च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने जायदं प्रभटे नित्य दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोके च पार्वते धनधान्यं सुतं जायामयमस्तिरमेव च चतुर्वर्गं कदाचन्ते लभेत् मुक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं जले जले पूजयत्वया भक्त्या भरे नाम शतार्चक तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे स्वर्वरे रमे राणो नाथ नायन्ते राजश्रियमवाप्स्यात् कोरौचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमलोत्तरेण विलक्षयन्तं विधिना विलज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारेः मामावाचानि चामग्रे चन्द्रे सद्विषाङ्गते विलक्ष्य प्रभटे स्वं सर्ववे सर्वदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मादिषे अनुष्टवसङ्गः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो वेदम् जगवन्धदेवता तत्त्वम् श्रीजगदम्बादित्यस्य सप्तशती पादागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ यद्गोयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां
यज्ञकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्ति कोयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यासुकवचं वन्यं चक्षुश्च महामने प्रथमाञ्जयपुत्रे च द्वितीयब्रह्मचारिणे तृतीयाञ्जन्दघण्टे कोष्माण्डे चतुर्थक पञ्चमं छन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चार्चम नवमं सिद्धिरात्रे च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्य चत्वमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयात्तारचरणं गताः नाते सञ्जायते किञ्चिदशुभरणसङ्कटे नावदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखमयमहे जेतु भक्त्यासुराणो न तेषां वृद्धे प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषि रक्षसे तान् न संशयः प्रेतसंसारचामुण्डा वाराहि मयि च जन यन्ते गच्छमारूढा वैष्णवे गरुडा जन मायेश्वरीर्विकारूढा कौमारेर्जिगवाहन लक्ष्मी भगवादना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरीर्विगवाहन ब्राह्मी हस्तसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतमातरा सर्वा सर्वजोगसमन्विता नानाभरणशोभाद्या नानारत्नवशोभिता दृश्यन्तेरसमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिफलं च मुसलायनं खेडकं सोमरं चैव पशं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभिराय च देवानां च हिताय वै नमस्ते सुमहारथे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविराजने साहि मां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धने प्राचारक्षत मामेन्द्रे आम्ने आमन्ये देवता दक्षिणे वधुहाराणि नैरृत्याङ्गणगधारणे प्रतिच्छा वारुणे लक्ष्य वायव्यां मृगवाहणे उभेच्छां मातु कौमारी यैषाणां चूलधारणे उरुधं ब्रह्माणि मे लक्ष्य अधस्ताद्वे तदा एवं दशो लक्ष्य चामण्डा च वाहन जया मे जागृता पात विजया पात पृच्छता अजितामपाठ्यतो दक्षिणे च पराजिता शिखामद्योदने लक्ष्य उमामूर्ते विवर्तिता मालादने ललाटे च भ्रवो रक्षद्वने त्रिनेत्रा च भ्रवोर्मध्ये यमगण्डा च राशिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्चारवाजने कपोलौकालिकारक्ष्य कर्णमूले च शङ्करे नासिकायां च गन्धा च उत्तरोच्चे च चर्चिका अधरेषां मृदकला जिह्वायां च सरस्वते गन्धा रक्षत कौमारी कण्ठदे च सुचण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च कौरक्ष्य वाचमे सर्वमङ्गला ग्रीवायां बद्धकाले च पृष्ठभक्षे धनर्दने नीलग्रीवा वहे कण्ठे नलिकां नरकोमरे स्कन्दयो गणगणे रक्ष्य बाहु मे पश्यधारणे हस्त्यो दण्डने रक्ष्य अम्बिका चाङ्गुले च नगाञ्जुलेश्वरे रक्ष्य कुक्षो रक्ष्य कुलेश्वरे स्तनो रक्ष्य महादेवी मना शोकविनाशने हृदय ललिता देवी उदरे चोलधारणे नाभो चकामिने रक्ष्य गुह्यं गुह्येश्वरी तदा पूतना कामिकामेद्रं गुजे महिष्यवाहने
कट्यां भगवते रक्ष जानने विन्दवर्जने जंगे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायने गुलभयानारसिंहे पादाङ्गुलेषु शिरक्ष पादादत्तलमर्जने नगान्दशाकराले च केषाञ्चेव द्वकेचनि रोमकूपे च कोवेरि तदम्बागे चरेतरा रक्तमज्जावसामासारस्य मेधाञ्च पार्वते अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पद्मकोचे कभे चूडामणि तदा ज्वालामुखेन रज्ज्वालामुखे सर्वचन्द्र शुक्रं अङ्गाणि रक्ष छाया चत्रे च अहङ्कारं मनोबुद्धि रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापानौ तथा व्याणं पुराणं च समानकम् वज्रहस्ताद मे रक्ष प्राणः कल्याणजोभना हृदय रूपे च गन्धे च शब्दे सर्षे योगिने सत्त्वादस्तमश्चैव रक्ष नारायणे तदा आयो रक्षद वाराहि धर्म रक्षद वैष्णवे जगा कीर्तिञ्च लक्ष्मी च धनं विद्यां चक्रे गौतमिन्द्राणि मे रक्ष्य पशु मे रक्ष्य चण्डिके पुत्रा रक्ष्य महालक्ष्मीर्भार्या रक्षद भैरवे पन्थाणां सुमता रक्ष्य मार्गं क्षेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा तदा रक्षाहीनं दुजस्थानं वर्जितं कवचे तदा तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाजने परमेकं न गच्छेतु जने चेतु ममात्मना कवचे नामितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभ च विजया सर्वकामिका गञ्जं चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमदुलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश्च पराजिता ते लोकेषु भवेत् पूज्या कवचेनाभ्युदा भवान् इदं नो देव्याः कवचं देवानामविदुर्लभम् व्यापरे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सत्यान्विता देवी कला भवेत्तस्य लोकेश्च पराजिता जीवे वक्षशतं साकम् अपमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभिरक्षितम् अविचाराणि सर्वाणि मन्दयन्त्राणि भूतले गोचराक्षेचरा चैव जलया शोभदेशिका सहजा कुलजा माला डाकने चाकने तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकेण च महाबला ग्रहभूतमिरा यक्ष गन्धर्वरक्षता ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माणा भैरवादया दर्शन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संसदे माणोन्नते भवे राक्षसेजो वृत्तेकरम्बरा यजसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशति चण्डे कृत्वा तु कवचं पुरा यावत्तु मण्डलं दत्ते शशैलवनकारणं तावत् मेदन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं च सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह बोधते अथार्गलस्तोत्रम् अर्गलस्तोत्रमन्तस्य विष्णोरिषे अनुष्टव चन्द श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीगणरङ्गा प्रीतये सप्तदेवागत्येन जपे विनियोगः
ॐ नमः चण्डिकाय मार्कण्डे माधव ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले गभारे दुर्गाक्षवाचवाधाते चरा नमस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्ति हरणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्तुते मधुकेटव पवित्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय महिषासुरनाथे भक्तानां जगदे नमः रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय रक्तबीजावरे देवि खण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय शुम्भ्रम्भ्रमर्जने रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय भवन्तिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय अचिन्तरोपचर्ते सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय नरेभ्यः सर्वदा भक्ता चण्डिके दुरितापये रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय स्तुवत्यो भक्तिपूर्वत्वा चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय चण्डिके धनरञ्जयत्वा भक्तयन्ति अपक्षिता रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुख रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय विदेहि द्विजसाम्राज्यं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाद्य रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय सुरासुरचिरोरत्ना निर्गृष्टाचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय विद्यावन्तं जगद्वन्द्वं लक्ष्मीवन्तं जनकुरु रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय प्रचण्डदैत्यगर्भग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय चतुर्भुजे चतुर्भक्ता चतुर्थे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय कृष्णनाथे देवि चक्षुर्भक्ताम्बिके रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय हिमाचलचुताराध संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय इन्द्राणि परिषद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय देवि प्रचण्ड द्वदण्ड दैत्यदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जय देहि द्विज जय मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा च महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति सङ्ख्या परमापनोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवरिषिः अनुष्ठवचन्दा श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बापीत्यासं सप्तशतीपाठागत्येन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यदक्षते श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारणे
श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। आय गिरि नंद नंद समेदिन वेश्य विनोदिनि नंदनुदे गिरिवर विन्यज राधिनि वादिनि विष्णु विलादिनि वेश्यनुदे भगवति हेतिनि कंठ कुरुम्बनि भोरि कुरुम्बनि भोरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपादिनि शैलसुते सुर वर वर सुर धर धर Thank you.
Jai 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 Jai
प्रश्न नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में
यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परमे स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली जयकारा शेरा वाली जी दा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता की प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया, इसी के महात्म पढ़ करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अग्निना दय्य मानस्तु शत्रु बद्धे गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंच शुभम रण संकटे नावदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयम् नहि येस्तु भक्त्यास्मिता नूनं तेषां विद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्य संचया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भक्ति दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की। माता महालक्ष्मी जी जिनके धाम में आज आप विराजमान हैं, इनका प्राकट्य कई रूप से हुआ माना जाता है। एक तो ऐसा माना जाता है कि राधा जी के दक्षिणांश से लक्ष्मी प्रकट हुई, इसी प्रकार कृष्ण जी के दक्षिणांश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। दूसरी ऐसी कथा है कि एक बार तीनों लोकों के अधिपति भगवान इंद्र मधुपान से पवित्र हुए कैलाश धाम से वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा और उनको प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त पारिजात पुष्प इंद्र को दिया, परंतु इंद्र मधुपान से प्रमत्त थे अतः उन्होंने अभिमान पूर्वक इस पुष्प को ऐरावत हाथी के ऊपर फेंक दिया, जिससे दुर्वासा जी कुपित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि इंद्र तूने अभिमान पूर्वक मेरे इस पारिजात पुष्प का अपमान किया है, अतः लक्ष्मी जी आपके धाम से रूठ करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाएं। इस प्रकार दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र सिंहीन हो गए और स्वर्ग पर दैत्यों का शासन हो गया और लक्ष्मी जी रूठ करके भगवान विष्णु के धाम में चले गई। तभी सभी देवगण
गुरु बृहस्पति को साथ दे करके, ममता शंकर जी को साथ दे करके वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार लक्ष्मी जी रूठ करके आपके धाम में चली आई हैं और हमारे जहाँ स्वर्ग में दैत्यों का शासन हो गया है, इसलिए हमको ऐसी युक्ति बताइए जिससे पुनः स्वर्ग में लक्ष्मी का निवास हो। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को उपदेश देते हुए कहा कि जहाँ तुलसी की पूजा नहीं होती, जहाँ अतिथि का आदर सम्मान नहीं होता, शिव पूजन नहीं होता, शंख ध्वनि नहीं होती, भक्तगण संध्या बंद नहीं करते हैं, व्रत उपवास नहीं करते हैं, सदैव हिंसा से युक्त रहते हैं, वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। और तब उन्होंने लक्ष्मी को खीर सागर के यहाँ प्रकट होने के लिए कहा और देवताओं को परामर्श दिया कि आप दैत्यों के साथ मिलकर के खीर सागर का मंथन करें। तब सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर के खीर सागर का मंथन किया, जिसमें मंदाचल पर को मथानी, कश्यप को आधार और शेषनाग की रस्सी बनाई गई जिससे खीर सागर का मंथन किया। उससे कई प्रकार के रत्न प्रकट हुए जिनमें ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, धनवंतरी जी अमृत का कलश लिए हुए और साथ में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित की। उस समय सभी देवताओं ने, ब्रह्मा शंकराचार्य देवताओं ने भगवती की स्तुति की। उस समय लक्ष्मी ने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाली, अर्थात पुनः स्वर्ग में लक्ष्मी का निवास हो गया। इसलिए हम भक्तों भी चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो। हमें भगवान विष्णु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात हमारे घर में तुलसी का आरोपण होना चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, शिव की पूजा होनी चाहिए, अतिथि का आदर सम्मान व्रत उपवास स्थाई रखने चाहिए जिससे हमारे घर में सदैव महालक्ष्मी जी विराजमान हों। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं, उन्हीं लक्ष्मी के धाम में ज्योतिशक्ति के रूप में विभक्त होकर के माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में विराजमान होती ही संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ध्यान करते हैं। पूर्व काल में भक्तजन इसी प्राकृतिक मार्ग द्वारा जाकर के पूर्ण पिंडी बाण के दर्शन करके जिस प्रकार जल परिक्रमा कर रहा है, ऐसे ही परिक्रमा करके बाहर आ जा करते थे। परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने शरीर को चांदी एवं सोनी के पत्ते से जड़ दिया, अर्थात कली काल में केवल दिव्य पिंडी के रूप में ही दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तो प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति रहती है वहाँ शिव विराजमान रहते हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, परंतु शिव भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो एकार है यही शक्ति स्वरूप कुंडलनी है। यदि हम इस एकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं, अर्थात केवल हम ही भक्ति नहीं, देवता भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐम के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं यं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीम के चरण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर किसी देश व्यस्त में समृद्धिमान प्राप्त होता है। और क्लीम के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं और रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवार मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डारे विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा विचे सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता की भेंट में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरा वाली राय बोल सच्चे दरबार की जय। मैं आया तेरे द्वार सुन लेना मेरी पुकार। मैं आया तेरे द्वार सुन लेना मेरी पुकार। पुनः सब घबराते हैं मुरादे पाते हैं। सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। आकाश में सब चंदा तारे तेरी ज्योत प्रकाश से चमक रहे। तेरी ज्योत प्रकाश से चमक रहे। आकाश में सब चंदा तारे आकाश में सब चंदा तारे तेरी ज्योत प्रकाश से चमक रहे। तेरी ज्योत प्रकाश से चमक रहे। मेरे मन में भी माँ एक दीप जला। 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 हर दम तेरा ही ध्यान रहे। हर दम तेरा ही ध्यान रहे। हर दम तेरा ही ध्यान रहे। हर दम तेरा ही मेरे दिल की यही पुकार। मैं आया तेरे द्वार मेरे दिल की यही पुकार। मैं आया तेरे द्वार। सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। ओ सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। माँ सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। मैं आया तेरे द्वार अंधियारा छाया कुछ नजर न आता है मैया। कुछ नजर न आता है मैया। अंधियारा छाया है मैया। अंधियारा छाया है मैया। कुछ नजर न आता है मैया। कुछ नजर न आता है मैया। मैं हीन बड़ा कमजोर हूँ। बलहीन बड़ा कमजोर हूँ मैं।
तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया, बस तेरा सहारा है मैया। मेरे दिल की यही पुकार, मैं आया तेरे द्वार, मेरे दिल की यही पुकार, मैं आया तेरे द्वार। सब आते हैं बुराते पाते हैं, सुना सब आते हैं मुरादे पाते हैं, सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं, सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं। मैं आया तेरे द्वार, बस यही कृपा मांगू तुझसे, बस यही कृपा तेरा दर न कभी छूटे मुझसे, तेरा दर न कभी छूटे मुझसे, बस यही कृपा मांगू तुझसे, बस यही कृपा मांगू तुझसे, तेरा दर न कभी छूटे मुझसे, तेरा दर न कभी छूटे मुझसे। और बोलूं और मैं क्या मांगूं, और बोलूं और मैं क्या कभी छूटे मुझसे, तेरा दर न कभी छूटे मुझसे, और तेरा दर न कभी छूटे मुझसे, तेरा दर न कभी छूटे मुझसे। मेरे दिल की यही पुकार, मैं आया तेरे द्वार, मेरे दिल की यही पुकार, मैं आया तेरे द्वार। सब आते हैं मुरादे पाते हैं, सुना सब आते हैं मुरादे पाते हैं, सुना है सब आते हैं मुरादे पाते हैं, सुना सब आते हैं मुरादे पाते हैं। सब आते हैं मुरादे पाते हैं, मैं आया तेरे द्वार। जयकारा शेरा वाली जय, ढोल सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जय करा मेरी शेरावाली मैया जी दा, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी कहंदा कहंदा तेरे दर तक आया, ना पल्ले गुण कोई मेरे, मैं ताया गण लेके आया। दुनिया मंगे लाख करोड़ा, हो मैनू मिल जाए तेरी छाया, हो मैनू मिल जाए तेरी छाया। ओ हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए, हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए।
करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए ओ हुण लगन लगी हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए बड़ी औड़ी का बात मैया च तेरा बुलावा आया बड़ी औड़ी का बात मैया जी तेरा बुलावा आया बड़ी औड़ी का बात मैया च तेरा बुलावा आया मां बड़ी औड़ी का बात मैया जी तेरा बुलावा शुक्र तेरा जो मैनु अपनी चरनी लाया लख लख शुक्र तेरा अपनी चरनी लाया हो लख लख शुक्र तेरा जो मैनु अपनी चरनी लाया हो लख लख शुक्र तेरा जो मैनु अपनी चरनी लाया होते ओ सहारा मां जगदम्बे ते ओ सहारा नरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए तेरे चरण दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए तेरे दर नू छट के मैया होर केरे दर जावा ओ तेरे दर नू छट के मैया होर केरे दर जावा ओ तेरे दर नू छट के मैया होर केरे दर जावा तेरे दर नू छट के मैया होर केरे दर जावा जे तू भी ना सुन ते दिल दा हाल में दर दर रुलिया मैया दस हुन दर दर रुलिया मैया दस हुन केड़ा पल्ला फड़िए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुन लगन लगी तेरा नाम सिमरिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए हुन लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए जो
ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਦਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਦਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਦਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਦਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਾਏ ਪਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਰੀਏ ਹੁਣ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਮਨ ਬਸੇ ਹਰਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਸੇ ਹਰਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਸੇ ਹਰਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਸੇ ਹਰਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਲਗਨ ਲਗੀ ਕਰੀਏ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਵਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੈ ਕਰਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਹਾਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ 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 ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਔਰ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮਹਾਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮਹਾਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮਹਾਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ ਓ ਭੁੱਖ ਕੋ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਭੁੱਖ ਕੋ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਔਰ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮਹਾਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆਦ ਭਵਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਮੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਮੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਮੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਮੇ ਡੇਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਤੇਰਾ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੜੇ ਹੀ
किस्मत वाले हैं वो दर्शन करते तेरा वाह वो बड़े ही किस्मत वाले हैं वो दर्शन करते तेरा ओ सवरतों पे कृपा करती कृपा करती सब भक्तों पे कृपा करती सब भक्तों पे कृपा करती हे मां जग कल्याणी हम पर दया करो हे मां याद भवानी 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 ओ भूखे को मां भोजन देती भूखे को मां भोजन प्यासे को पानी हम पर दया करो हे माया भवानी दया करो हे माया भवानी हम पर दया करो हे माया भवानी हम पर दया करो हे माया भवानी कठिन चढ़ाइयां चढ़ के जो भी द्वार तुम्हारे आते कठिन चढ़ाइयां चढ़ के जो भी द्वार तुम्हारे आते कठिन चढ़ाइयां चढ़ के जो भी द्वार तुम्हारे आते कठिन चढ़ाइयां चढ़ के जो भी द्वार तुम्हारे आते सिद्ध मनोरथ होते उनके मनवाशित फल पाते 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 त्रिलोक में तुमसे बड़ा न तीन लोक में तुमसे बड़ा न और न कोई दानी हम पर दया करो हे मायाज भवानी 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 ओ भूखे को मां भोजन देती 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 और प्यासे को पानी हम पर दया करो हे माया भवानी 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 तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते हर पल तेरा सुमिरन करते जय माता की कहते हर पल तेरा सुमिरन करते जय माता की कहते हर पल तेरा सुमिरन करते जय माता की कहते हर पल तेरा सुमिरन करते जय माता की कहते ओ श्रद्धा वालों ने तुम्हें पाया श्रद्धा वालों ने जन पाया करते हैं अभिमानी हम पर दया करो हे माया भवानी 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 ओ भूखे को मां भोजन देती भूखे को मां भोजन देती भूखे को मां भोजन देती और प्यासे को पानी हम पर दया करो हे माया भवानी 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 धरता हे माँ शेरों वाली तू सृष्टि की करता धरता हे माँ शेरों वाली तुम सृष्टि की करता धरता हे माँ शेरों वाली तू सृष्टि की करता धरता हे
शेरोवाले अभेदान जो दे भक्तों को तुम हो मेरो वाली अभेदान जो दे भक्तों को तुम हो मेरो वाले माया अभेदान जो दे भक्तों को तुम हो मेरो वाली अभेदान जो दे भक्तों को तुम हो मेरो वाले द्वार तेरे निर्दोष पे चलती तेरे निर्दोष पे चलती द्वार तेरे निर्दोष पे चलती द्वार तेरे निर्दोष पे चलती किसी की ना मन मानी हम पर दया करो हे माया भवानी 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 ओ भूख को माँ भोजन देती भूख को माँ भोजन देती और प्यासे को पानी हम पर दया करो हे माया भवानी 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 हम पर दया करो हे माँ जग कल्याणी 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 हम पर दया करो हे माया भवानी 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 हे माया भवानी हे माया भवानी माँ हे माया भवानी हे माया भवानी माँ हे माया भवानी जयकारा शेरोवाली जी का भोल सच्चे दरबार की जय एक घर प्रोसो कर रहे श्री जयपाल जी जयकारा शेरोवाली जय भोल सच्चे दरबार की जय चढ़नी भी आ उच्चियां काटियां हसी आए तेरे दीदार माँ जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे परे पंडार चढ़िया उचिया काटिया हो हसी आए तेरे दीदार माँ जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे परे पंडार उचिया काटिया हो हसी आए तेरे
सारे देख ले अजमा के मैं
जगत देवा मतलबी संसार नो मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे परे भंडार नो चढ़निया ऊंचिया काटिया मां तेरे बिन मुझ पापी नो कसहा कौन पीरू दस कौन संभालेगा हे आसरे न माने पुतनु मां बिन केड़ा पालेगा मां बे आसरे न माने पुतनु मां बिन केड़ा संभालेगा चमन से बाजार नो मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल परे भंडार नो चढ़नी दिया ऊंचिया घाटिया अशी आए तेरे दीदार नो मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल परे भंडार नो चढ़नी ऊंचिया घाटिया खोसी आए तेरे दीदार जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे परे भंडार 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 जयकारा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातर भजामि भजताम अभिलाष दात्री दात्री समस्त जगता दुरितापहंत्री संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम पायाम पराम समदिगम्य परस्य विष्णु सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिकवाली शुभ संब 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 27 प्रविष्ट है शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है सोमवार तदनुसार 11 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर्भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव क्षीरवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं छत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपका आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती है सभी बोलिए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगला
माटी को मृग मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र गगन नीचो ओ जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबर राज मैया रक्तांबर राज रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कण कण बरबाज ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खपर धार मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन नर मुनि जन सेवत इनके दुख हार ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभ दाता के मोत मैया नाथ के मोती कोटिक चंद दिवाकर कोटिक चंद दिवाकर समराज तुझो ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना इस दिन मधमासी ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कै मधु कै तब तो मारे सुर भयही न कर ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रोजानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला आगम निगम खानी आगम निगम खानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसट योगिनी गाव नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो आजत ताल मृदंगा आजत ताल मृदंगा और बाजत डम ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित पर मुद्रा धारी हो मैया भर मुद्रा धारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंकण ताल विराज अगर कपूर बाजी हो मैया अगर कपूर बाजी माल के तुम्हें राज श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कुछ गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत जीवान कहत हरि हर श्याम मनवांछित फल पावे ओम जय मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तो मैया जी को निश दिन ध्यावत
ਕਲਾਈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਛੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਤੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਅਬ ਤੋੜ ਕਰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ ਤੁਮਾਰੀ ਭਵਾਨੀ ਕਰਨ करने को शुद्धि करण आ गया करने को शुद्धि करण आ गया तुम्हारी भवानी करण आ गया तुम्हारी भवानी करण आ गया तेरा रूह में तुम्ही से बिछुड़ा तेरा अंश हूँ मैं तुम्ही से ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਰਤੀ ਅਬ ਸਭੀ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਧਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਲਾ ਆਟੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦਾ ਵਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀਰ ਦਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੱਥੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਖ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਵਾ ਹਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਸ਼ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਵਾ ਕਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੱਤੀ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੱਛੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੜ ਦੁਆਰੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋਲਾ ਆਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੰਸ ਦੁਆਰੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਗਤ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं. सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा. जय माता दी. Kalyani, Kalyani,
ਕਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਭਗਵਤੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਓ ਸੇ ਵਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਸੇ ਬੁਲਾ ਸਭੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੂੰਜ ਕੇ ਸਾਥ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੱਤੀ ਜੱਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਤਾਰੀ ਜੈ। ਸ੍ਰੀਮ ਸਰਬੂਦਾਨਾਮ ਪਾਲੋ ਸ੍ਰੀ ਕੰਨਿਮ ਚੰਨਿਮ ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀਏ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈਂ ਅੱਛੇ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਮੇ ਗਰੀਬ ਅੱਛੇ ਅਭੀ ਦੇਖੋ 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 ਅਭੀ ਦੇਖ